उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्षी गुट देश को उचित एजेंडा नहीं देता है तो उसके घटकों द्वारा तैयार किया गया ताना बाना बेकार हो जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक संपन्न हुई है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि सीट बंटवारे का मुद्दा हर राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। आपको बता दें इंडिया से जुड़े सभी दलों ने शुक्रवार को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को एक साथ लड़ने की कसम खाई है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दो दिवसीय हुई भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संपादकीय में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में वाम दलों और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद हैं, लेकिन दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा केरल में भी यही स्थिति देखने को मिली है। यहाँ कांग्रेस और CIM एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। सामना में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ चर्चा करने की इच्छा जताई है, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कोई बड़ा मतभेद नहीं है। MBM में शिवसेना, UBT, कांग्रेस और शरद पवार के साथ राकपा समूह शामिल है। बता दें मुंबई में हुई बैठक की मेजबानी MBM ने ही की थी। संपादकीय में और भी सहयोगियों का खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आई हैं। उन्होंने कहा इन सभी पार्टियों को एक मजबूत ताने बाने में बुना गया है, लेकिन अगर इसके सामने कोई उचित एजेंडा नहीं रखा गया तो यह व्यर्थ होगा। सामना में कहा गया है कि अगर लड़ना है तो सभी 28 दलों को स्वतंत्र बातचीत करनी होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।